सोनिया गांधी ने कहा, पद से रिटायर्ड हो रही हूं, पॉलिटिक्स से नहीं, अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की 19 साल संभाली थी कमान, राहुल गांधी पर जताया भरोसा। शीतकालीन सत्र में सांसद का अनोखा अंदाज, ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे दुष्यंत चौटाला, किसानों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने संसद के बाहर ही रोका ट्रैक्टर। झारखंड विधानसभा में आखिरी दिन हंगामा, विपक्ष ने किया भूमि अधिग्रहण बिल और स्थानीय नीति का विरोध। महाराष्ट्र के नासिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में हथियारों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, 25 राइफल और 17 रिवॉल्वर सहित 4000 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद। आगरा में सीवर सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत, एससी आयोग के चेयरमैन पहुंचे मृतक के घर, 10 लाख की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, 15 दिसंबर यानी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का आखिरी दिन, इसके बाद उनके बेटे राहुल गांधी कांग्रेस की बागडोर संभालेंगे। देखिए रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति में नहीं आने की कसम खाई थी, लेकिन कांग्रेस के बिगड़ते हालात और पार्टी नेताओं के दबाव में उन्होंने राजनीति के दंगल में पैर रखा। 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई। 13 साल पहले सोनिया गांधी ने अटल सरकार से सत्ता छीन कर कांग्रेस की केंद्र में दमदार वापसी कराई। कांग्रेस ने 2004 में सत्ता में वापसी की। उस वक्त ये चर्चाएं थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। सोनिया गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश में अपनी सास का कत्ल होते देखा, अपने पति की हत्या होते देखी। वे चाहती अपने वतन लौट सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को गांधी परिवार की विरासत के लिए समर्पित कर दिया। उन कठिन कुठाराघात से उबरना बेहद मुश्किल था। वक्त और हालात ने ऐसी करवट ली कि राजनीति से किनारा करने की इच्छा के बावजूद उन्हें कांग्रेस की कमान संभालनी पड़ी और अब उनके बेटे राहुल गांधी ने भी मुश्किल हालात में कांग्रेस की बागडोर संभाली है। पारिवारिक आघातों के बाद भी सोनिया अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसी शख्सियतों के सामने डटकर खड़ी रही। फैशनेबल सोनिया ने सफेद साड़ी को अपना लिबास बना लिया। 2004 में वे केंद्र में कांग्रेस को लाने में कामयाब रही और ये कामयाबी 10 साल तक बरकरार रही। उनके खामोश समर्पण वाली राजनीति का ही नतीजा है कि देश को राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, शहरी विकास, स्वास्थ्य और आरटीआई कानून जैसे ख्वाब को सरकार साकार कर सकी। एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी समर्पण, त्याग और भारतीयता की मूर्ति साबित हुई और अब राहुल गांधी को अपनी दक्षता और क्षमता साबित करनी होगी। स्पेशल डेस्क। संसद का शीतकालीन सत्र अगले साल के 5 जनवरी तक चलेगा। संसद सत्र के पहले दिन हरियाणा के हिसार से INLD सांसद दुष्यंत चौटाला अनोखे अंदाज में नजर आए। दुष्यंत ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे, किसानों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए वे ट्रैक्टर लेकर संसद में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें संसद के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टर के साथ प्रवेश करने से रोक दिया। गुजरात चुनाव में न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी को दिए गए बढ़त पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सभी मीडिया बिके हुए हैं। गुजरात में बीजेपी का हाल बेहाल है और कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है।
सब मीडिया बिका हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं, सब बेमानी कर रहा है। बेमानी करवाने में ये पहले से एडवांस में हवा बनवा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास समीक्षा यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे। मधुबनी के धकजरी में आंगनबाड़ी केंद्र, धकजरी पैक्स, शौचालय, बर्मी कंपोस्ट का निरीक्षण किया। उसके बाद जगदीश उच्च विद्यालय में आयोजित सभा को संबोधित किया। वहीं नीतीश ने 176 योजनाओं के लिए 225 करोड़ की राशि से खर्च होने वाले योजना का रिमोट से उद्घाटन किया। जनवरी इस साल मानव श्रृंखला बनी, उसी तरह से अगले 21 जनवरी को, आज से ज्यादा दिन अब नहीं है, 35-40 दिन बचा है, पूरे बिहार में फिर मानव श्रृंखला बनेगी और इस बार बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला बनेगी। आप सबसे विनती है, आग्रह है कि सब लोग एकजुट होकर मानव श्रृंखला में शामिल होइए और इसका कोई मामूली संदेश नहीं जाता। शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में इस साल 21 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी उसने दुनिया का नया रिकॉर्ड बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में दरभंगा प्रमंडल के तमाम आलाधिकारी, मंत्री, विधायक समेत कई विभाग के सचिव के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को दरभंगा के बिरौल प्रखंड में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के दौरान भवानीपुर पंचायत के वार्ड 12 और 9 वार्ड का निरीक्षण करेंगे और 7 निश्चय के तहत हर घर जल नल शौचालय समेत 340 करोड़ रुपए की 102 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मैं रखा जाएगा कहाँ कौन विकास संबंधी, कहाँ विकास हुआ, कहाँ क्या लंबित है, क्या कारण है, सभी चीज़ की जानकारियाँ लेने के लिए यहाँ जमीन पर स्वयं आए हैं। पिछली बार जो दौरा हुआ था उसका भी समीक्षा उसी जगह जाकर करने जा रहे हैं। जो पिछली बार जो घोषणा हमने किया है वो जमीन पर उतरा कि नहीं उतरा, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी भी समीक्षा होगी और आम जनताओं, आम कार्यकर्ताओं द्वारा फिर जो नई मांगे हैं, रोड है, पुल है, पुलिया है, वह भी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के सामने रखने का काम करेगा, पुनः फिर आश्वासन लेकर पुनः बनेगा। तो स्वयं वह जमीन पर निरीक्षण करने आए हैं। बहुत ही दागी माननीयों के ऊपर लगे आरोपों के जल्द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के त्वरित सुनवाई के फैसले के बाद पूरे देश समेत बिहार के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, कांग्रेस संवैधानिक संस्था का हमेशा समर्थक रहा है और संविधान में जब जब भी मतलब ये किया, चूँकि संविधान का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसलिए ये लाजमी बनता है कि कांग्रेस पार्टी हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुकरण करती है। जहाँ तक ये राजनेताओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो ये स्वागत योग है। इसमें कोई ये नहीं है कि जो सिर्फ एक ही पार्टी के नेता लोग हैं, इसमें सारे दल के लोग हैं और सारे दल के लोगों के ऊपर यदि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट विचार रखती है कि ये इन लोगों का त्वरित कार्रवाई हो तो कांग्रेस पार्टी को कोई इसमें आपत्ति नहीं है। यह एक क्रांतिकारी कदम है और पहली बार चुनाव सुधार को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण, ठोस और क्रांतिकारी निर्णय आए हैं। इससे राजनीतिक जगत में बेचैनी है लेकिन यह सच्चाई है। एक न एक दिन जिनके चरित्र अपराध से सने हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड आपराधिक है, उनको किसी न किसी रूप से कानून के दरवाजे पे दस्तक उनको देना होगा और उसको जवाब देना होगा। और ये अच्छा रहता कि राजनीतिक दलों के लोग ही इसकी पहल कदमी करते, लेकिन मजबूरन हम कोर्ट इस धन्यवाद के पात्र है कि कोर्ट के प्रयास से यह एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के चरित्र और उनके आचरण से लोकतंत्र की जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हों और लंबे समय तक उनका निपटारा नहीं हो तो कहीं ना कहीं इससे जो अपेक्षाएं हैं जनता की कि लोकतंत्र में शुचिता और अपराध के खिलाफ एक जो जन चेतना का वातावरण बना है उसमें लोगों की अपेक्षा है जनप्रतिनिधि बेहतर दिखें। तो इस तरह से अगर एक समयबद्ध कार्रवाई अगर होती और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर
इस तरह के जो मामले हैं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनकी सुनवाई हो जाए तो जरूर जो लोग किसी अपराध के लिए दोषी होंगे वो सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है और इसकी प्रतीक्षा जनता को लंबे समय से थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य के विकास को लेकर लगातार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार में किसी बड़े उद्योग को लाभ पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। वहीं निवेश के नाम पर राज्य को पिछले एक दशक में कुछ भी नहीं मिला है, जिस पर राजनीति से जुड़े कई दिग्गजों ने अपनी राय दी। कम अच्छी है, यदि खराब नहीं भी कहें तो पहले की तुलना में ये कम अच्छी है। एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि जो उसमें प्रावधान किए गए उन प्रावधानों के अनुसार उद्योगपतियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा संबंध है ऐसे लोगों से जो उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में हैं, उनसे वन टू वन बात होती रहती है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। वर्तमान उद्योग नीति जो इसके पहले की उद्योग नीति है उसकी तुलना में विगत दिनों में जो महागठबंधन की सरकार यहाँ रही, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। हम विकास के मायने में भी पिछले पायदान पर जा रहे थे। नीतीश कुमार भी अपने को बहुत दबाव में काम कर रहे थे, यही कारण है कि 18-19 महीना के बाद वो एनडीए में आने का काम किया। और रही बात उद्योग का, तो जिसमें हम मुख्यमंत्री थे, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का हमने काम किया था। अनेक प्रकार की औपचारिकताएँ में सब लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, वो जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में जो ज़्यादा करके लिया जाता था उसमें कम करने की बात किया था। आवश्यकता है बिहार को, आवश्यकता इसलिए है कि खेती पर ही प्रायः लोग डिपेंडेंट हैं, खेती की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है, जबकि तीसरा रोड मैप चालू कर दिया गया है, लेकिन कुछ बुनियादी बातें उसमें छूट जाती है जिसके चलते कृषि में जो वांछित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा के लिए उद्योग नीति फिर नई ढंग से ला रही है, उसमें तरह तरह के प्रोत्साहित है, प्रोत्साहन की राशि है, उसमें बिजली के, जमीन के, रजिस्ट्रेशन के दर में और अन्य सुविधाएं हैं कि ताकि उद्यमी आए यहाँ, उद्योग लगाएं और वो यहाँ पे बिहार राज्य को फायदा हो, उद्यमी को भी फायदा हो। इस नीति के तहत से उद्योग नीति है और उसके साथ सरकार इस पर सतत प्रयासरत है। कितने तरह में, कितने मामलों में सिंगल विंडो सिस्टम कर रही है कि सरकार के लाल फीताशाही से बच करके यहाँ पे अगर उद्यमी आए तो अपना उद्योग लगा सकते हैं। और जाके विपक्ष का ये कहना कि भाई वो उद्यमी नहीं आ रहे, तो ऐसी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट आए हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आए हैं, बहुत सारे सेक्टर में आए हैं और आगे बिहार प्रगति के पथ पर है, निहरी हम, लेकिन हमारा बिहार में और उद्योग आएंगे। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी स्टेट में आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटी जब मिलेगी तो वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होके आएंगे। और बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह के अवेलेबल नहीं हो पाते। जब हम लोग पहली बार एनडीए की सरकार बनाए, एनडीए वन जिसको आप कह रहे हैं, तो हमारी सरकार का ये पूरा कंसंट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे था। सबसे पहले रोड पे ध्यान दिया गया, उसके बाद फिर बिजली लाने की बात करने लगे लोग, और जब केंद्र में सरकार बन गई एनडीए की तो बिजली पर और भी ज्यादा इंटेंसिव ध्यान दिया गया। झारखंड विधानसभा के चौथे और आखिरी दिन काफी हंगामा हुआ। सरकार की ओर से लाए गए भूमि अधिग्रहण बिल और स्थानीय नीति का विरोध लगातार विपक्ष द्वारा किया गया। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने नाराजगी जताई। वहीं विपक्ष का कहना है कि सीएम ने अभद्रता की, तो वहीं दूसरी ओर खेल मंत्री ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अंगूठा नहीं दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी एक थम्सअप करने का हमेशा काम करते, जो हम लोगों ने किया ये उनका एक स्टाइल है, और आप उनका थम्सअप करने का इलाके जो आप कहीं भी करते हैं, किसी को आप विश करना चाहते हो तो आप करते हो, भाई थम्सअप करते हो जो भैया हमने किया, मैंने किया, ये थम्सअप उनका रहता है हमेशा। उन्होंने थम्सअप किया, किसी को अंगूठा नहीं दिखाया, अंगूठा साइमन मरांडी दिखा रहा था इस तरह करके। ये पूरी तरीके से सरकार सदन को भी गुमराह करना चाहती है, सदन को भी अपने प्रभाव में रखना चाहती है और विपक्ष की बातों को किसी भी तरीके से वो समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं।
और स्वाभाविक रूप से है। अगर हमारे बातों का जवाब नहीं मिलेगा और उसके बदले सरकार के मुखिया विपक्ष के सवालों पर तंग कसेंगे, चुस्कियां लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष आक्रोशित होगा और इसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे। लेकिन 14 साल से स्थानीय नीति के नाम पर यहाँ के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं झारखंड अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार ने सरकार बनने के साथ ही स्थानीय नीति परिभाषित की। और अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देता हूं, ये जो अभी तक 24,656 में 56 स्थानीय नियुक्ति हुई अध्यक्ष महोदय और 1,000 बिहार हुए, 95% झारखंड के नौजवान नियुक्त हुए और इनको झंडा धोने के लिए नहीं मिल रहा, इसीलिए ये लोग बफलाए हुए स्थानीय नियुक्ति का विरोध। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सासाराम में बीजेपी नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया के पिता के निधन पर आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात और हिमाचल अपार बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 150 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बूंदी के सर्किट हाउस में गौपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल गौपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सर्किट हाउस में सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को गिना रहे थे, तभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सर्किट हाउस से बाहर निकालकर मामले को शांत कराया। पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ पकुड़ हवा एसएसबी कैंप के पास अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें कई किसानों को घायल करने के साथ ही किसानों के फसल नष्ट करने में मैनाटाट थानाध्यक्ष द्वारा मदद पहुंचाने को लेकर भाकपा माले नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। साथ ही बेतिया शहर में घूम घूम कर पुलिस प्रशासन और अपराधियों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। मैनाटाट में मुख्यमंत्री के जाने के बाद फिर आपको दलितों गरीबों के अधिकार की, जिससे जीवन जीविका उनकी चलती थी, सीलिंग से फाजिल जमीन पर से बेदखली की कार्रवाई हुई है, इसके विरोध में ये मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम है और आगे आने वाले दिनों में ये दलित गरीब मुख्यमंत्री के खिलाफ ये लड़ाई होगी और बिहार की जनता, चंपारण की जनता ऐसे अत्याचारी शासकों को बर्दाश्त नहीं करती है। जयपुर में 24 दिसंबर को होने वाली स्वच्छता मैराथन को लेकर निगम प्रशासन शहरवासियों से 300 से लेकर 1200 रुपए वसूल रही है। दरअसल शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने एक निजी संस्था पिंक सिटी हाफ मैराथन को यह जिम्मेदारी दी है, जो रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर शहरवासियों से ये राशि वसूल रही है। स्वच्छता दौड़ 24 दिसंबर को हमारी है और मैं जो है कह सकता हूँ कि मुझे जहाँ तक जितनी मैराथन का आइडिया है, 2-3 मैराथन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, नंबर्स की दृष्टि से हो सकता है कि ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी मैराथन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1,00,000 के आसपास लोग जो हैं, इसका नाम ही हमने स्वच्छता दौड़ रखा है, 1,00,000 के आसपास लोग जो है इसमें हमारे आ सकते हैं। 30,000-40,000 लोग तो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वच्छता दौड़ के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश जो है जयपुर शहर में जाएगा और लोग जो है इससे प्रेरित होंगे और जयपुर आपको पहले से क्लीन नजर आएगा। आगरा में दयाल बाग क्षेत्र में गुरुवार को सीवर साफ करने उतरे 2 कर्मचारियों के साथ हादसा हो गया, जिसमें 1 की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद एससी आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया मृतक के घर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए 10,00,000 की आर्थिक सहायता और परिवार के 1 सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार वार्षिक में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए टेली काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए सभी विषयों के एक्सपर्ट्स को समिति मुख्यालय में बुलाया गया है और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 3 घंटे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विषयों के बारे में एक्सपर्ट्स से परीक्षार्थी जानकारी और परीक्षा से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। इस वर्ष पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक मैट्रिक और वार्षिक इंटरमीडिएट की परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए टेली काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत सभी विषयों के एक्सपर्ट्स को यहां पर समिति मुख्यालय में बुलाया गया है और दिनांक 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिनों तक प्रत्येक दिन 3 घंटे का स्लॉट निर्धारित किया गया है, 11 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक। और इस दिन 5 अलग अलग टेलीफोन्स पर 5 अलग अलग विषय के एक्सपर्ट्स बैठेंगे और उसमें से 5×7 = 35 स्लॉट्स में एक्सपर्ट्स को डिवाइड किया गया है और इन विषय के संबंध में जो भी परीक्षार्थी तैयारी के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में या पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी जानकारी उन एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।